साइक्लोन अम्फन की जो डेवलपिंग सिचुएशन है उस पर यह अपडेट है। साइक्लोन अम्फन के बारे में आज सुबह मौसम विभाग ने जानकारी दी है और जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभर रहा है और आने वाले 24 घंटे में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। एनडीआरएफ की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है और टीम्स को राज्यों में भेज दिया गया है। उड़ीसा राज्य में 10 टीमें भेजी गई हैं और 10 से ज्यादा टीमें स्टैंडबाय में हैं। पश्चिम बंगाल में 7 टीमें भेजी गई हैं और 10 से ज्यादा टीमें स्टैंडबाय में हैं। उड़ीसा में 10 टीम 7 जिलों में बांटी गई है, यथा पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज। पश्चिम बंगाल में 6 जिलों में 7 टीमें बांटी गई हैं, यथा साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर। एनडीआरएफ पूरे सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है और सभी एजेंसीज के साथ समन्वय में काम कर रही है, राज्यों के साथ, राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, आईएमडी के साथ और सभी स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ। एनडीआरएफ की टीमें या तो अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं। जो भी सिचुएशन डेवलप करता है उसी के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें पूरी तैयारी के साथ हैं और जो स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ इत्यादि हैं उनके साथ समन्वय में काम करेगी। अभी सिचुएशन डेवलपिंग है और ट्रैजेक्टरी पर वॉच किया जा रहा है। आने वाले समय में और अपडेट भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।